कॉन्फ्रेंस करी है तो विपक्ष के कई नेताओं ने कहा है कि ये काम डीआरडीओ और साइंटिस्ट कर सकते थे, पीआईबी रिलीज दे रही थी, प्रधानमंत्री के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी कि आते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इस चीज के लिए? मैम क्वेश्चन ये क्या जरूरत थी कि प्रधानमंत्री आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे? राजनीतिकरण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, राजनीतिकरण कर रहे हैं इस तरह के मुद्दों पर भी? देखिए आप खुद जानते हैं कि राजनीतिकरण कितना, आप खुद जानते हैं कि कितना राजनीतिकरण कितने मुद्दों का हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, आपने खुद देखा है। और मेरे हिसाब से इस चुनाव में जो असली मुद्दे हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ यही कह रही हूँ। अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस का ब्लफ है, बकायदा ये बात बोली अरुण जेटली ने। देखिए कांग्रेस ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 दिन में ये घोषणा कर दी है कि होगा, तो कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जो ब्लफ करते हैं वही ये आरोप लगाते हैं। बीजेपी लेकिन मैम बीजेपी कह रही है कि मैं ऐसे लफ्ज कभी नहीं कह सकती। मैंने वर्कर्स से कहा है कि ये चुनाव कि इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ठीक ढंग से प्रचार करें, आप घर घर में जाके असलियत बताएं कि ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है, इसमें राहुल जी की जीत नहीं, इसमें देश की जीत होगी, ये कह रही। प्रियंका के आने से कोई मुझे नहीं लगता असर होगा, क्योंकि कांग्रेस के पैर जमीन पर है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि जमीन पर क्या हो रहा है, ये मेनका गांधी ने कहा है। उनका व्यू है, आप प्रचार करेंगे उनके खिलाफ प्रचार करने जाएंगे? I haven't checked what my schedule is. I'll probably go wherever my brother. योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आपको मंदिरों की याद सिर्फ चुनाव में आती है, उसके बाद मंदिर कभी आप चक्कर नहीं। उनको क्या मालूम कि मैं क्या करती हूँ, उनको क्या मालूम कि मैं मंदिर जाती हूँ नहीं जाती हूँ चुनाव के समय या नहीं, उनको मेरे बारे में क्या? बीजेपी कह रही है कि चार पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे रही है, ये भी एक ब्लॉक है और ये चार पीढ़ियों से करिए। इंदिरा गांधी से अब तक कहा जा रहा है सचने की क्या वाकई ऐसा है? गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, आप गरीबी हटाते नहीं है, इंदिरा गांधी सिर्फ नारा चुनावी नारा रहता है, गरीबी नहीं हटाता। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज तक कोई गरीबी कभी हटी नहीं है, ये कह रहे हैं defining issues are that farmers are suffering, they have got no help from the government, they tell me that they don't even get their seed and fertilizer on time, in some places the seed is costing them more than their crop, they are in debt, there is nobody to support them and nobody to help them. The issue is that there is huge gross unemployment, jobs were promised, they were not given, there are thousands of young people who are unemployed, I see them on every chauraha, I see them on every marketplace, everywhere I go when I ask have you got a job, they say no. The government has not, no government has performed as badly on employment as they have, the economy is in shambles, these are the issues. And these I think are the issues that all of you should highlight instead of getting into issues which are actually irrelevant for people.
क्या अमेठी का चुनाव राहुल गांधी का चलेगा? चुनाव लड़ेगी प्रियंका जी, आप चुनाव लड़ेंगी 2019 का चुनाव आप लड़ेंगे? अभी मैंने तय नहीं किया है। आप लड़ सकती है चुनाव? आप लड़ सकती है अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। खुद मेरी इच्छा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूं क्योंकि बहुत संगठन का बहुत काम है एंड आई प्रिफर टू कैंपेनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज़ वेल। आई डोंट नो येट Are you going to be a full-time politician now? Obviously, yes, of course.